नमस्कार, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव से भूटान में प्रतिदिन लाखों रुपए के भूटान में प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद अवैध रूप से स्मगलिंग करके भेजा जा रहा है। आज जयगांव थाना द्वारा भी भूटान की ओर जा रहे एक ट्रक को रोका तो उसमें लगभग 400 कार्टून शिखर पान मसाला मिला, जो भूटान की ओर जा रहा था। पान मसाला का बाजार मूल्य लगभग 54 लाख रुपए है। जयगांव थाना प्रभारी अभिषेक भट्टाचार्य ने बताया, भूटान की ओर जा रहे पान मसाला की गाड़ी को उन्होंने जांच के लिए रोका था और कागज पत्र देखकर आगे की कार्यवाही के लिए कस्टम कार्यालय को हैंडओवर कर दिए हैं। इधर दूसरी ओर जयगांव से ही एक ट्रक भूटान प्रवेश कर गया। ट्रक पूरा फर्नीचर से भरा हुआ था, लेकिन भूटान पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर उक्त ट्रक में लोड फर्नीचर को नीचे उतार कर देखा गया तो सभी फर्नीचर के अंदर गुप्त रूप से छुपा कर सैकड़ों कार्टून सिगरेट तंबाकू रखा गया था। मिली जानकारी अनुसार भूटान पुलिस द्वारा उक्त ट्रक से 70 लाख रुपए के अवैध सिगरेट और तंबाकू बरामद किया गया है। भूटान पुलिस ने भारतीय ट्रक नंबर WB73A7209 जब्त कर लिया है और उसके ड्राइवर राज को हिरासत में ले लिया है। भूटान पुलिस द्वारा भारतीय क्षेत्र से इस माल को भेजने वाले सप्लायर और भूटान में प्राप्त करने वाले दुकानदार की भी खोजबीन कर रही है। ज्ञात हो कि भूटान तंबाकू मुक्त देश है और वह तंबाकू बेचना या इसका व्यवसाय करना अवैध है, लेकिन फिर भी इस अवैध व्यापार के महारथी रोज नए नए तरीकों से भूटान में अवैध सामान भेज रहे हैं। गौर करने वाली यह बात है कि अभी सभी तरफ लॉकडाउन चल रहा है और केवल जरूरी सामान की आवाजाही की अनुमति है, फिर भी भूटान में जरूरी सामानों के नाम में कैसे फर्नीचर, पान मसाला आदि निर्यात हो रहा है? क्या यह लॉकडाउन के दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं है? न्यू कलिम्पोंग स्टोर्स डील्स इन बुद्धिस्ट रिलीजियस आइटम्स एंड जनरल ऑर्डर सप्लायर्स, होलसेल एंड रिटेलर, मेन रोड मंगलाबारी जयगांव डिस्ट्रिक्ट अलीपुर द्वार वेस्ट बंगाल। कॉन्टैक्ट +917557891233, +916206656078, +975778482811।